नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टेलमी वॉट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रिक करेंट क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं वॉट इज इलेक्ट्रिक करेंट डिफाइन करो इलेक्ट्रिक करेंट को मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगी जब तक आप लोग मुझे डेफिनेशन नहीं देंगे यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट

ओके ग्रेट म एंड लक्ष्मी करेक्ट आंसर सो इलेक्ट्रिक करेंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू व्हाट थ्रू अ कंडक्टर इंसुलेटर में से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी नहीं कंडक्टर्स में ही सही होगी और कंडक्टर्स जनरली क्या होते हैं मेटल्स होते हैं नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. और हमने बहुत कुछ जाना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए बाउट करेंट पोटेंशियल डिफरेंस देन वी टॉक्ड अबाउट पावर कितनी सारी चीजें पढ़ी हमने प्रीवियस चैप्टर में जो इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाया था ठीक है ओके okay. अब हम कुछ नया करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट अच्छा तो मैग्नेटिक से मैग्नेटिक कम्स फ्रॉम द वर्ड मैग्नेट क्या मतलब होता है मैग्नेट का या तो हैव यू एवर सीन अ मैग्नेट और प्लेड विद अ मैग्नेट? यस 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 मैम। 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 क्या प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की क्या करता है मैग्नेट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स कॉमन जाते हैं करेक्ट मैग्नेट कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट करता है कौन से मेटल्स हैं वो आयन एंड ठीक है आयन निकल एंड कोबाल्ट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट अच्छा एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है क्या यस मैम यस मैम हमेशा But, uh... हमेशा वेरी गुड मैं। ये मैगनेट पॉजिटिव पोल्टिवेटिव करेक्ट ये ने, मैग्नेट का पॉजिटिव पोल एक्सो हम बोल सकते हैं नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे है ना लेकिन नॉर्थ होगा नॉर्थ होगा यस और अगर नॉर्थ और नॉर्थ होगा तो क्या होगा अगर नॉर्थ और नॉर्थ होगा तो क्या होगा रिपल्शन sure. होगा yes, yes, है ना yes, so, तो आपको वो दूर जाएंगे एक दूसरे से वो दूर जाएंगे एक दूसरे से करेक्ट तो आपको इतना बेसिक नॉलेज है मैग्नेट्स के बारे में कि लाइक पोल्स एट्रैक्ट एंड अनलाइक पोल्स रिपल राइट right? अच्छा अब मुझे बताओ मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों अलग अलग हैं या दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है आई विल कीप दैट ऑन होल्ड अभी मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी पर हाँ दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है देखते हैं क्या कनेक्शन है ओके okay. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या दिख रहा है स्क्रीन पे मैम स्लाइड वन ही दिख रही है चैप्टर थर्टीन की ऐसा है yes. okay. अभी क्या दिख रहा है अभी दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस ओके तो हमने मैग्नेट की तो बात कर ली अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की सो व्हेन आई से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड सपोज ये मैग्नेट है मेरा ठीक है आई विल टेक अ मैग्नेट फ्रॉम हियर ये एक मैग्नेट ये दूसरा मैग्नेट ठीक है या तो अभी हम एक ही मैग्नेट की बात करते हैं चलो ये एक मैग्नेट है और यहाँ पे मैंने कुछ आयन के पार्टिकल्स रखे हुए हैं तो ये पार्टिकल्स विल बी एट्रैक्टेड टू मैग्नेट, है ना सारे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे होंगे या नहीं yes, होंगे हो जाएंगे अब मैं yes. एक काम करती हूँ अब मैं उनको यहाँ रखती हूँ प दिस पार्टिकल हियर अब अट्रेक्ट होंगे no, no. हो सकता no. है अभी भी हो जाए कि चलो भाई अभी भी ये अट्रैक्ट हो सक हो है लेकिन पावरफुल होगा तो मैग्नेट पावरफुल होगा तो लेकिन अगर मैं उनको यहाँ रखूंगी तो नहीं होगा नहीं होगा, नहीं, नहीं होगा ना अगर ये बहुत दूर है तो ये मैग्नेट तो, इस पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं करेगा इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिज्म या तो मैग्नेटिक पावर इसका एक रीजन तक लिमिटेड है वो रीजन समझ लो यहाँ तक है ये उस रीजन के बाहर आता है तो यहां तक इस मैग्नेट magnet का मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आता इसलिए ये अट्रैक्ट नहीं होता सेम थिंग फॉर मैग्नेट एंड टू डिफरेंट मैग्नेट्स ऑलो सपोज मेरे पास दो मैग्नेट है एक यहाँ है और एक यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड में है अब समझो कि ये मैगनेट को मैंने यहाँ ले लिया यहाँ रख दिया मैंने इस मैग्नेट को अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे no, रिपल करेंगे एट्रैक्ट no, करेंगे ना रिपल करेंगे क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं मैग्नेटिक कंपास क्या यूज करते हैं मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक एक घड़ी के डायल के जैसा है ठीक है उसका एक्चुअली मेन एम क्या है डायरेक्शन का पता लगाना ठीक है तो मैग्नेटिक कंपास में डायरेक्शन लिखे होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट और बीच बीच में और भी दिस इज नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट वैसे वैसे ठीक है और अंदर एक मैग्नेटिक निडल है ये क्या है मैग्नेटिक निडल है तो और इसका जो पार्ट रेड पेंटेड है वो हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करेगा कौन से डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा तो अभी नॉर्थ डायरेक्शन यहां है अभी यहां है अभी यहां है तो एक्चुअली जहां जहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये जो निडल है ये डिफ्लेक्ट करेगी ठीक है और जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है निडल स्टेबल रहेगी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी उसकी पोजिशन चेंज नहीं होगी सपोज अगर ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी लेकिन जैसे ही उसको मैग्नेटिक फील्ड मिला उसका पोजिशन चेंज हो जाएगा ओके okay? तो मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है मैग्नेट के आसपास वो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कौन से इंस्ट्रूमेंट से मैग्नेटिक कंपास <laughs> से डिटेक्ट करेंगे देन अगर मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड है तो मैं उसको फिजिकली बता सकती हूं या ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ क्या बिल्कुल पॉसिबल है एक एक्सपेरिमेंट से ऐसा हो सकता है <coughs> तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पाथ अराउंड मैग्नेट अलोंग विच द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कम्पास निडल टू मूव मैंने आपको बताया ना कि अगर ये मैग्नेटिक कम्पास है और ये उसका निडल है तो वो जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना वो मूव करता रहेगा जहां जहां पे नॉर्थ डायरेक्शन जाएगा वहां वहां पे वो मूव करेगा देखो हमने इसके पहले वाली स्लाइड पे देखा ही था yes, आगे आगे जा रहा है ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिफरेंट पोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी स्लाइड दिख रही है अभी First. First वाली दिख रही है ना तो देखो यहाँ सब जगह पोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलग है इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट मैग्नेटिक कंपास का नेडल जहां जहां नॉर्थ पोल जाएगा वहां वहां मूव करेगा ओके okay. तो अगर हम उसको ऑब्जर्व करें अच्छे से तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता लगा सकते हैं पर ये थोड़ा मुश्किल तरीका है आसान तरीका क्या है वो बताती हूं मैं आपको तो आसान तरीका ये है कि आपको क्या कर लेना है जैसे मैंने आसान तरीके के लिए आपको स्प्रिंकलिंग आयन फिलिंग्स चाहिए है स्प्रिंकलिंग आयन फिलिंग्स मतलब सिंपली आपको क्या लेना है आयन का पाउडर ले लेना है उनको बोलना है आयन फिलिंग्स और आपको क्या करना है एक मैग्नेट ले लो उसके ऊपर एक थिक पेपर रखो समझो ये मेरा पेपर है थोड़ा सा मोटा होना चाहिए चार्ट पेपर ले लेना और उसके ऊपर थोड़ी सी आयन फिलिंग्स डाल दो ठीक है अब इसको टैप करो यहां से क्या करोगे अब इसको अपनी उंगली से टैप करोगे ऐसे 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 करके मैं इसको टैप करूंगी तो क्या हुआ ये जो फिलिंग्स है ना ये बिखर जाएंगी और एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो जाएंगी तो कौन सी पैटर्न में अरेंज हो जाएंगी देखो यहाँ पे दिख रही है वो पैटर्न ये पैटर्न दिख रही है आपको यहाँ पे यस yes, मैम तो ये yes. जो पैटर्न बन गया इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अब आप ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इमर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा ये है, तो वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जा रही है नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जा रही है अगेन नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जा रही है आया समझ में कहा से कहा जा रही है अब अगर आप यहां देखोगे तो लाइंस दूर दूर है पर यहां देखोगे तो लाइंस पास पास में है तो कहां पे पास पास में है साउथ साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों तो आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स कहां पे पास पास में है पोल North North pole North pole pole. और मिडल ऑफ द मैग्नेट में वो दूर दूर है अच्छा एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है क्या लाइंस no, देखो कहीं भी no, इंटरसेक्ट no. कर रही है नहीं कर रही है यहां पे वो साउथ पोल में मर्ज जरूर कर रही है बट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग यहां देखेंगे ना तो और क्लियरली नजर आएगा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर क्लियर अच्छा तो अब एक काम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तीन प्रॉपर्टीज हैं एक के बाद एक पढ़ेंगे पहली वाली कौन पढ़ेगा मैं द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज एट द नॉर्थ पोल एंड इमर्ज एट द साउथ पोल ओके डू वी हैव भक्ति इन द मीटिंग पॉइंट पढ़ो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज एट दोल ओके थर्ड वन अमन कैन यू रीड दर्ड थर्ड वन यू नॉट इंटरसेप्ट याद रखेंगे आप लोग इसको अब हमने ये तो देख लिया के मैग्नेट होता है मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है पर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट के आस पास ही होती है या कहीं और भी हो सकती है यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट के आसपास नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड एक कंडक्टर जिसके अंदर से करंट मूव कर रहा है वहां पर भी होती है लेट अस सी हाउ सो इफ द मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस नियर अ कंडक्टर कैरिंग करंट द नीडल इज रिफ्लेक्टेड क्या मतलब बना इसका सपोज ये मेरा जहाँ पॉइंटर जा रहा है वो एक वायर है और ये वायर में से करंट पास हो रहा है तो जिस भी वायर में से करंट पास हो रहा है वो वायर के आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है है या नहीं वो कैसे डिटेक्ट करोगे कैसे प्रूव करोगे इसके आसपास मैग्नेटिक मैग्नेटिक कंपास वेरी मैग्नेटिक कंपास से अगर मैग्नेटिक कंपस का निडल डिफ्लेक्ट हुआ मतलब ये वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है वैसे ही यहाँ पे देखो ये जो वायर है ये ये वाला है, ये वायर है। वायर तो यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है और उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल से दिखाई हुई है तो आप दो तरीके से डिटेक्ट कर सकते हो इसको एक तो आप मैग्नेटिक कंपास देख लो उसका नेडल देखो कि वो डिफ्लेक्ट हुआ या नहीं दूसरा आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आयरन फिलिंग्स डाल दो मतलब बेसिकली क्या किया एक चार्ट पेपर लिया वो चार्ट पेपर में आपने एक होल किया उसमें से एक कंडक्टिंग वायर पास किया अब इसको कनेक्ट कर दिया सर्किट से तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगी और फिर ये आयन फिलिंग्स अपने आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो गई मतलब ये ये जो लाइंस हैं ये क्या है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड यस वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो अब हमको एक नई बात पता चली कि भाई मैग्नेट के आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही है पर जो करंट जो कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रहा है उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको या तो मैग्नेटिक कंपास से डिटेक्ट कर लो या तो आयन फीलिंग्स डाल के देख लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी या नहीं बनी क्लियर यस मैम। चलो है? Yes, तो कंडक्टर कैरिंग करेंट हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट if the direction of the current is from north to south the deflection of the needle is towards east suppose current aise conduct kar raha tha aise upar se niche to needle kahan deflect hua east ki taraf east mein matlab ye pehle aisa tha ab idhar ghum gaya अगर हमने current का direction reverse कर दिया अब हमने current का direction कर दिया south to north। ये जा रहा है साउथ टू वेस्ट में ये जा रहा है साउथ टू नॉर्थ ऐसे तो अब नीडल कहाँ मूव कर गया ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ वेस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज होता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी चेंज होता है क्लियर यस मैम ओके okay. yes, यहां पे क्या है देखो कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे दिखेगी हमको इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कब दिखेगी जब हम वहां पे आयन फिलिंग्स डालेंगे क्लियर है यस मैम राइट हैंड थम रूल दिख रहा है Yes. Yes. Okay. अगर मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है अभी तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ टू साउथ होगा तो वो ईस्ट जाएगी साउथ टू नॉर्थ होगा तो वो वेस्ट में जाएगी mm -hmm. मुझे नहीं पता है अगर कि क्या है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ है आई डोंट नो तो भी मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन पता लगा सकती हूँ कैसे राइट हैंड थंब रूल अब देखो ये चैप्टर में आप टोटल तीन या चार रूल्स पढ़ोगे तो सबसे पहले एक टेबल बना लेना कि रूल बता क्या रहा है तो राइट हैंड थंब रूल क्या बता रहा है राइट हैंड थंब रूल बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर क्या बता रहा है राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है बेसिकलीके okay, कैसे इटे करेंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट अब आप एक काम करो हाथ में एक पेंसिल पकड़ लो ठीक है कौन से हाथ में पकड़ोगे राइट या लेफ्ट राइट 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 हैंड ठीक है तो राइट हैंड में इस तरह से एक पेंसिल पकड़ लो सॉरी ओह यहां नहीं इसको ऊपर रखते हैं हम्म अब यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड में आप एक पेन पकड़ लो इस तरह से और अपना जो थंब है उसको ऊपर की तरफ पॉइंट करो किया सबने यस यस मैम मैम अब आपका जो थंब है वो क्या दिखा रहा है थंब दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ द करंट तो जब थंब डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है तो ये जो आपकी फिंगर्स हैं जो कॉल कर रही हैं अराउंड द पेंसिल पेंसिल के आसपास गोल गोल घूम रही हैं जो फिंगर्स वो क्या दिखाती है वो दिखाती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया तो देखो बहुत yes, क्ले दिखाया है अगर इलेक्ट्रिक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है है ना इधर से निकल के इधर समझ आया सेम थिंग हियर मैग्नेटिक फील्ड सॉरी करंट अगर ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड यू लेफ्ट हैंड से घूम के राइट हैंड की तरफ जा रही है लेकिन अगर मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया ऊपर की जगह डायरेक्शन नीचे जा रहा है अब इलेक्ट्रिक करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन uh, भी चेंज हो गया अब वो राइट right हैंड से निकल के लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है एरो देखो है ना तो जब ये ऊपर था तो ये एंटी क्लॉकवाइज था जब ये डायरेक्शन नीचे हुआ तो ये क्लॉकवाइज घूमने लगी समझ आ रहा है आपको यस मैम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे पता लगेगा राइट हैंड रूल अभी तो आसान लग रहा है जब सारे रूल्स एक साथ पढ़ोगे ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना राइट right हैंड क्या दिखाएगा आपको सॉरी राइट हैंड थम्प रूल से क्या पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलेगा ओके नेक्स्ट स्लाइड क्या दिख रहा है स्लाइड पे फील्ड ड्यू टू कर मैग्नेटिक फील्ड due to a current थ्रू a लूप अभी तक हमने क्या कर रखा था हमारा जो वायर था अभी तक हमारे वायर को हमने स्ट्रेट कर रखा था अब स्ट्रेट वायर को मैंने ऐसे बेंड कर दिया तो अब ये क्या बन गया ये लूप बन गया ठीक है तो अब हम देखेंगे कि लूप में से इलेक्ट्रिक करेंट कैसे जब पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह तरीके का होता है तो यहाँ पे आप डायग्राम ठीक से देखिए ये रहा आपका वायर का लूप एक पेपर लिया मैंने अब मैंने उसमें दो होल्स किए एक यहां पे एक यहां पे उसमें से एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर मतलब मेटल का वायर पास किया वो वायर यहां से निकाला मैंने ठीक है अब उसको मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कन, कनेक्ट कर दिया क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में एक स्विच होता है बैटरी होती है battery, होता है resistor. है ना अब क्योंकि सर्किट कंप्लीट है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी अब देखो दो जगह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है यहां से भी हो रही है और यहां से भी हो रही है, है ना डायरेक्शन फिर से देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का इस तरफ है मैंने उल्टा दिखाया देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज दिस पॉजिटिव से नेगेटिव कौन सा करेंट बता रहा है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव कौन सा करंट होता है कन्वेंशनल करंट होता है Convention. लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन क्या होता है करंट का नेगेटिव टू पॉजिटिव करेक्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है पर हम यहां पे कन्वेंशनल करंट दिखाएंगे तो अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनी देखो ये रही ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई ये वाले एंड पे और एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई ये वाले एंड पे समझ में आया तो जब इलेक्ट्रिसिटी लूप में से पास होगी तो दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी एक यहां पे इस एंड के पास और एक इस एंड के पास क्लियर है yes, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं पहले हमने देखो पहले हमने क्या लिया था स्ट्रेट वायर लिया फिर हमने क्या लिया लूप लिया अब हम सोलिनॉइड लेंगे क्या लेंगे सोलिनॉइड बोलो सॉलिनॉइड हाँ सोलिनॉइड लेंगे व्हाट इज सॉलिनोइड अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन शेप ऑफ अ सिलेंडर इमेजिन करो कि यहाँ पे बीच में एक सिलेंडर है है नहीं आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि है और एक वायर लो और उसके आसपास गोल 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 उसके ऊपर लपेट दो जैसे अभी उत्तरायण में वो मांझा लपेटते हैं ना मांझे में कैसे धागा लपेटा था आपने सु कहवाई गुजराती माँ फिरकी right? uh, uh. मैंने ऐसे वो फिरकी ली ऐसे और उसमें बहुत सारा धागा लपेट दिया वैसे ही मेजर करते हैं ना कितने बार धागा है आई थिंक दैट इज हाउ इट इट इज मेजर्ड एक हजार बार, बे हजार बार ओके okay? तो इस तरह के अरेंजमेंट को आप सोलिनॉइड बोलोगे कि जहां पे एक टर्न नहीं है देखो बहुत सारे टर्न है यहाँ पे भी देखो सो मेनी टर्न आर देर तो इसको आप बोलोगे सोलिनॉइड सॉलिनॉइड में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है देखो यहाँ को हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया अब इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तब क्या होगा तो वन थिंग इज़ दैट व्हेन करंट फ्लोस थ्रू अ इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, वो बार मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगता है जैसे बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं इसके भी नॉर्थ और साउथ पोल्स बन जाएंगे और ये बिल्कुल बार मैग्नेट का जैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वैसे इसका भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अब वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है किस पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल पे डिपेंड करेगा तो सपोज यहां पे कितने टर्न्स हैं गिनो एक दो तीन चार पांच छ यहा टर्न्स हैं यहाँ कितने टर्न्स हैं Nine. Nine, ten. Ten हैं पे और यहाँ पे कितने हैं वन टू एन से फोर टर्न्स है ठीक है किसका मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा टेन टर्न्स का इसका मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सो इफ यू हैव अ सॉलिनॉइड सॉलिनॉइड इज नथिंग बट अ सर्क्यूलर कॉइल ऑफ वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट मोर द नंबर ऑफ टर्न स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड लेस द नंबर ऑफ टर्न वीकर इज द मैग्नेटिक फील्ड इतना समझ आ गया अब यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां है यहां बीच में देखो यहाँ पे लाइंस बहुत पास पास में है और जैसे जैसे आप ये लूप से बाहर निकल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती जा रही है मतलब यहां पे द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट और यहां पे द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक ओके और इसके जो दो एंड्स हैं कॉइल के दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक पोल्स ये बन गया नॉर्थ पोल ये बन गया साउथ पोल क्लियर है पर ऐसा कब होगा ये मैग्नेट के जैसे कब बिहेव करेगा ओनली एंड ओनली वेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू इट इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद तो वो मैग्नेट के जैसे बिहेव नहीं करेगा तभी तक मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा जब तक उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है क्लियर ओके yes, okay. चलो तीन मिनट बचे हैं. सो दिस इज द सेम थिंग सोलिनॉइड दिखाया है और बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड वीक है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कल बात करेंगे